चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल में जो बेल का आइकन है प्लीज आप इसे जरूर प्रेस करें, साथ ही साथ ऑल पर प्रेस करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता और आप सभी लोगों का ब्यूटी टिप्स नम्रता चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, क्या आप भी परेशान हैं अपने गंजेपन से, यानी कि सिर के गंजेपन से? यदि हाँ तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपका ये जो समस्या है गंजेपन का, ये समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। मात्र 8 दिन में ही रिजल्ट दिख जाएगा इस नुस्खे से। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर आपके बाल बहुत तेज़ी से झड़ रहे हैं, उनका झड़ना बंद हो जाएगा और साथ ही साथ जहां बिल्कुल गंजापन आ चुका है सिर में, उस जगह पर दोबारा से बाल उगाएंगे इस घरेलू नुस्खे से। तो आप चलते हैं वीडियो को, और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल में जो बेल का आइकन है प्लीज़ आप उसे जरूर प्रेस करें, साथ ही साथ आल पर प्रेस करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली सामग्री हमें चाहिए गंजेपन को दूर करने के लिए, वो है दोस्तों आलू। आलू आपको अपने घर में ही मिल जाएगा किचन में, और मैं बिल्कुल सिंपल सा नुस्खा बता रही हूँ, आप देखना, करके देखना। जब आप इस नुस्खे को यूज करेंगे आप खुद मुझे कमेंट करेंगे कि मैम मुझे आराम मिला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक छोटा सा आलू लेंगे और आलू के छिलके को हम निकाल देंगे इस तरीके से। आलू में आयरन, जिंक, पोटेशियम और कैल्शियम तत्व होते हैं जो बालों का गिरना कम करता है और नए बाल उगाने में बहुत तेज़ी से मदद करता है। तो आप आलू को इस तरीके से छिलका निकाल दीजिए। दोस्तों, आप ये ना सोचें कि ये आलू क्या काम करेगा, अभी मैं आपको बताती हूँ बिल्कुल सिंपल सा तरीका। आपके पास टाइम हो या ना हो, आप ऑफिस जाते हैं तब भी आप ये नुस्खा आराम से यूज कर लेंगे। अब आप क्या करें, इस आलू को बीच से आधा आधा कर लें दो टुकड़ों में। अब आप इस तरीके से इसको आधा कर लीजिए और आधा करने के बाद में आप इसको इस तरीके से चाकू से हल्का सा इसको गोद दीजिए, इस तरीके से। इस तरीके से आप आलू को थोड़ा सा खुरच दीजिए या गोद दीजिए, और इससे होगा ये कि आप जो आलू का जो रस है इससे ये बाहर आएगा। तो आप इस तरीके से इसको करिएगा, और इसके बाद में हम इसी तरीके से दूसरे टुकड़े पर भी इसी टाइप से आलू को हम गोद देंगे। और दोस्तों, जो मैं आज का नुस्खा आपको बता रही हूँ, ये नुस्खा बिल्कुल आजमाया हुआ है, 101% फ़ायदा करेगा। तो आप क्या करें, इस तरीके से आलू को अच्छे से गोद लें और फिर आप इसको प्रेस करिए, इस तरीके से थोड़ा सा दबाइए और प्रेस करिए, तो इसमें जो जूस है वो निकलेगा। फिर इस आलू के जूस को, इसमें जो आलू में स्टार्च होता है ना, इस जूस को आप अपने गंजे सर पर लगाइएगा, इस तरीके से आप मसाज करिएगा। जैसे मैं आपको अपने हाथों में बता रही हूँ, आप इस तरीके से आप अपने सिर में मसाज करिए, ये देखिए इस तरीके से। जहाँ कहीं भी आपके सिर में बाल नहीं है, कुछ लोगों के बाल बीच बीच से उड़ जाते हैं, यानी कि सिर के बीचों बीच से चांद से बाल उड़ जाते हैं, तो आप उस जगह पर लगा लीजिए। जहाँ कहीं भी आपके सिर में बाल नहीं है उस जगह पर आप इसको मसाज करिए इस आलू से। अब आप जब दोनों टुकड़ों से मसाज कर लें इस तरीके से, ये देखिए, जब आप मसाज करें तो इसको हल्का सा प्रेस करके ही करिएगा, ये देखिए, ये आपके जो बालों की ग्रोथ है उसको ये बढ़ाएगा यानी तेज करेगा। तो आप क्या करें, इस तरीके से मसाज करने के बाद फिर थोड़ा सा आलू को इस तरीके से चाकू से गोद लें, ये देखिए इस तरीके से दोनों पीस को तैयार करें, और फिर से प्रेस करके आप अपने सिर पर मसाज करिए जहाँ कहीं भी बाल नहीं है। दोस्तों, इसका रिजल्ट आपको मात्र 8 दिन में ही दिख जाएगा। 8 दिन में मैं आपसे बोल रही हूँ, आप देखना, अगर आपके बिल्कुल भी बाल नहीं है गंजे सर पे तो आप देखना हल्के हल्के से बाल आने लगेंगे। और अगर जिस किसी के बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो वो क्या करें, इनका इसका जो आलू का जूस निकाल लें, वो पूरे बालों में लगाइए, बालों की स्केल्प पर लगाइए, आप देखना आपके सफ़ेद बाल काले हो जाएंगे इसी आलू से। ये इतना काम का आलू है, बस आप इस तरीके से लगातार 10 से 20 मिनट तक आप मसाज करिए बालों के स्केल्प पर, यानी कि गंजे सिर पर, आप देखना 8 दिन में ही रिजल्ट आपको दिखेगा। और ये प्रक्रिया आपको रात में करना है सोने से पहले। सोने से पहले आप इस तरीके से मसाज करिए, इससे होगा आपके ब्लड का संचार तेज होगा और आपकी मांसपेशियां जागृत होंगी। और दोस्तों, आप देखना आपके बालों का ग्रोथ, यानी कि आपके बाल जो गंजे सिर में उनमें किल्ले, ये हल्के हल्के बालों के किल्ला टाइप के होता ना, वो फूटने लगेंगे, हल्के धीरे धीरे से बाल निकलने लगेंगे, बालों का झड़ना बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको यूज करिए, आप लगातार इसको 2 महीने तक करिए, आप देखना आपके प्रॉपर रूप से जैसे बाल होते हैं सिर में, आपके गंजे सिर पर दोबारा से बाल आ जाएंगे। ये नुस्खा बहुत ही ज़्यादा काम का है, आजमाया हुआ है।
तो आप इससे 10 से 20 मिनट तक मसाज करिए और मसाज करने के बाद रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए और सुबह आप किसी भी शैम्पू से साफ कर लीजिए। आप इस तरीके से लगातार 2 महीने तक करेंगे रोज नियम से, तो मैं आपसे गारंटी पूर्वक बोल सकती हूँ कि 101% आपके गंजे सिर पर बाल वापस से आएंगे। बिल्कुल आजमाया हुआ नुस्खा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।